कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे। तो आज मैं तुम्हें बता दूँ कि आज का एपिसोड काफ़ी लंबा होने वाला है। सिर्फ वल्काना से ही लड़ाई नहीं होगी, वल्काना से लड़ाई करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए भी ग्राइंडिंग होएगा। तो यार चलो देख लेते हैं। मुझे चाहिए एक ऐसा इंसेक्ट ग्लेव जिसमें फायर एलिमेंट हो। तो मैं सर्च करता हूँ इंसेक्ट ग्लेव में जा करके। और जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, जो रिसेंटली जो सबसे ख़तरनाक फायरी मॉन्स्टर था वो था ग्लैवेनस। तो मैं सॉर्ट आउट करूँगा फायर एलिमेंट्स के वेपन्स को। और देख सकते हो यहाँ पर ग्लैवेनस ट्री है, फ्लेमिंग ट्यूज़ा, पता नहीं क्या तो भी नाम है। और यार वेपन का डिज़ाइन भी देख सकते हो कितना ख़तरनाक है। तो यही यूज़ करते हैं। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ से ट्री को अपग्रेड करना शुरू करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए ये पूके के मटेरियल्स चाहिए जो कि है मेरे पास। तो इसको क्राफ्ट कर लूँगा मैं। इक्विप नाउ नहीं, और अपग्रेड में जाऊँगा, देखूँगा कि अभी इसके लिए और क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है। डोडोगामा। तो तीन चार डोडोगामा के हंट अगर कर भी दूँ मैं और एक ग्लैवेनस का हंट कर दूँ तो मैं ये वेपन क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो चलो यार, टारगेट मिल चुका है अपने को, अब डोडोगामा को पकड़ के पेलना है बस। डोडोगामा ड्रामा यहाँ पर है। कैंट ब्रिंग दिस। चलो यार इसी को सिलेक्ट करते हैं और चल लेते हैं डोडोगामा को बुली करने। चेंज इक्विपमेंट, ग्रेट स्वॉर्ड लेके चलेंगे। एक काम करते हैं, हर तरह का वेपन लेके चलूँगा मैं। तो शुरुआत करूँगा मैं ग्रेट स्वॉर्ड से, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही बार डोडोगामा को हंट करने में कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। और देखता हूँ मेरे पास फोकस डेकोरेशन है कि नहीं। ओके, फोकस लगता तो नहीं है कि मेरे पास है। खैर कोई दिक्कत नहीं, जो है उसी से काम चलाएंगे। चलो यार डोडोगामा का क्वेस्ट आ चुका है, चल लेते डोडोगामा के क्वेस्ट पे। क्योंकि वेल्काना की साथ पहली फाइट है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता फाइट पे, ना ही कोई अनऑप्टिमाइज वेपन रहेगा, ना ही आर्मर अनऑप्टिमाइज रहेगा। चलो यार दिख चुका है डोडोगामा पहले ही। सबसे पहले एज यूजुअल मैं उसको दे दूंगा एक वॉल बैंक। बहुत ही बेकार कोशिश थी वो। टेंटराइज कर लेता हूँ एटलीस्ट। डोडोगामा से लड़ना मुश्किल ज़्यादा है नहीं, बस उसके अटैक्स थोड़े से सरप्राइजिंग रहते हैं। और क्योंकि ब्लास्ट ब्लाइट भी बड़ी तेजी से चढ़ता है यहाँ पे, एक और बार पड़ चुकी है वॉल बैंक। नाइस, पहला चार्ज स्लैश, दूसरा चार्ज स्लैश, तीसरा चार्ज स्लैश। नाइस, ओहो गजल आकाश ने सुला दिया है इसको। तो यार समझ ही सकते हो मैं क्या करने वाला हूँ, वेकअप हिट दूंगा। रेडी, 980 का डैमेज किया। अगर टेंडराइज होता तो शायद 1000 तक चला जाता। एक दो तीन, 790। पार्ट ब्रेक भी मिल चुका है, सर को कर देता हूं मैं टेंडराइज।
अरे भाई आज इसकी किस्मत बुरी बुरी है कुछ ज़्यादा ही। चलो फिर से एक कदम पीछे, साइड हट बिल्ले। वन थाउजेंड फोर्टी टू डैमेज किया, बहुत ही बढ़िया डैमेज किया है। मैंने कहा था ना एक बार टेंडराइज करने से डैमेज और भी ज़्यादा चला जाएगा। खैर अब उसको थोड़ा अच्छी तरीके से गुस्सा आ चुका है, लेकिन थक भी गया है ये। बहुत ही बुरी पोजीशनिंग थी मेरी वहां पे। जैसा कि नोटिस किया होगा तुमने, ट्रू चार्ज स्लैश जब मैंने मारा, तब ट्रांजिशन मैंने लिया एक शेल फायर से, राइट। मैंने मतलब डायरेक्ट ही फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज और थर्ड चार्ज नहीं किया। फर्स्ट चार्ज करके स्लिंगर एमो फायर करके ट्रांजिशन किया मैंने। और ये बढ़िया बढ़िया शॉट, बढ़िया स्टन। ओके बच गया वो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कोशिश कर लेंगे। और दो दो काम यार देख ही सकते हो, बहुत बड़ा इडियट है। बोलना नहीं चाहिए था मेरे को, पर्सनली ले लिया इसने। मैं उसको मारे पड़ा हूं, उसको दिख भी नहीं रहा। एक और स्टन, शायद स्टन नहीं था वो। खैर कोई दिक्कत नहीं, थैंक्स बिल्ले। एक सवारी चाहिए मुझे, नाइस। इसकी शक्ल को देख सकते हो यार, कुछ ज्यादा ही मोटा चिन्ह है इसका, और जॉ लाइन वाला चिन्ह नहीं है इसका, जैसा कि उरागान का था। कतई मोटा चिन्ह है इसका, लेकिन चिन में भी दम है। एक दो तीन, बढ़िया चार स्लैश। कोशिश करेंगे एक बार फिर से टू चार स्लैश मारने की। तीन, एक, नाइस। 652 डैमेज, बुरा नहीं है, बहुत, इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा डैमेज है वो। डोडोगामा को देखकर स्कूल के उस दोस्त की याद आती है जिसके साथ प्लेग्राउंड में खेलते समय फुटबॉल और उसमें कोई फर्क समझ नहीं आता था। लग जा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। यही होता है जब शरीर से बड़ा तलवार हो। बढ़िया, एक और स्टन मिल चुका है, चार स्लैश लगा सकता हूं एक। नहीं नहीं, थोड़ा डिस्टेंस लेना चाहिए था मुझे, कोई भी दिक्कत नहीं, गलती मेरी थी। डोडोगामा कमजोर हो चुका है, उसको यहीं पे मैं एक वॉल बैंक दे सकता हूं। अजीब बात है, कुछ हुआ ही नहीं यार, मुझे लगा था कुछ होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, टेंडराइज कर लूं एटलीस्ट मैं। थैंक्स बिल्ले। हाथ पे लगा उसके, वो भी सिर्फ पंजों पे।
थोड़ा टेढ़ा होके मारना पड़ेगा। नाइस, कोई दिक्कत नहीं, भले ही डैमेज कम गया लेकिन शॉट मिस नहीं हुआ। क्योंकि ऐसे हालातों में यूजुअली दो ही चीज़ें रहती है, या तो शॉट मिस होता है या तो डैमेज कम लगता है। डॉज रोल कर लिया मैंने उसके वरूर को। नाइस, फिर से तीन, डोडोगामा खत्म। देखते हैं कितने ज़्यादा लूट मिलती है इससे। अगर लूट अच्छी मिली तो अच्छी बात है, एक लेवल और अपग्रेड कर लूँगा इंसेंटिव को। अगर लूट अच्छे से नहीं मिलती है तो नेक्स्ट टाइम इसको कैप्चर करूँगा, और होपफुली कैप्चर करने में और अच्छी लूट मिल जानी चाहिए। और एक और चीज़ें मैंने ये भी नहीं देखा, हाई लेवल के डोडोगामा को फार्म करना था या फिर मास्टर लेवल के, हाई रैंक के या फिर मास्टर रैंक के। तो यार कोई दिक्कत नहीं, अगर मास्टर रैंक का कलेक्ट कर भी लिया इसका ये मतलब है कि आगे आने वाले जो कुछ भी डोडोगामा के मटेरियल्स चाहिए वो थोड़े कम हो जाएंगे, तो विन विन सिचुएशन है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपने सर पे कुल्हाड़ी मारना, फिर से देख लो। ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है क्वेस्ट। नाइस, फ्लॉलेस प्रोटेक्शन ज्वेल। तो यार फ्लॉलेस जो है वो पीक परफॉर्मेंस स्किल एक्टिवेट करता है, और पीक परफॉर्मेंस का मतलब ये है जब जब हेल्थ पूरी रहती है तब डैमेज बढ़ जाता है। तो हेल्थ तो पूरी यूजुअली किसी क्वेस्ट में मेरी रहती है नहीं, एक ना एक बार तो पिटता ही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो स्किल मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार चलो चलते हैं वर्कशॉप पे, देखते हैं डोडोगामा का जो अपग्रेड है वो अनलॉक हुआ कि नहीं। अपग्रेड इंसेग्लेव नहीं हुआ है अभी तक, और डोडोगामा हाइट प्लस रेयरिटी 7, इन दोनों चीज़ों को मेरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि डोडोगामा को हाई रैंक में ही फार्म करना पड़ेगा, तो वही करते हैं। ग्रेट स्वॉर्ड यूज़ कर लिया, अभी कुछ और यूज़ कर लेते हैं। चेंज इक्विपमेंट, चार्ज ब्लेड यूज़ करूँगा अभी हाई रैंक के डोडोगामा को मारने के लिए। ऑप्शनल, तो यार देख सकते हो यहाँ पर डोडोगामा का डोडोगामा ड्रामा, बहुत ही अजीब सा नाम है क्वेस्ट का। तो चलो ख़त्म करते हैं इसको भी। क्वेस्ट लोड हो चुका है और ये चल दिया मैं क्वेस्ट पे। इस क्वेस्ट में एक और चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, जैसे ये क्वेस्ट एंड होता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या चीज़ है। उससे लोडिंग स्क्रीन थोड़ी सी फास्ट रहती है कंपैरेटिवली। बढ़िया, पहला टेंडराइज करूंगा मैं। ओहो, गाजा लगा, उसने बहुत ही बढ़िया टाइम पे सुलाया है, नहीं सुलाया नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, सैवेज एक्स चालू हो चुका था।
अरे भाई उरागान भी इधर आ चुका है, तो उरागान के रहते हुए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड नहीं होऊंगा मैं। जल्दी से एलिमेंटल डिस्चार्ज मार लेता हूं। नाइस, बहुत ही बुरी टाइमिंग। एक और बार, बढ़िया। तो यार थैनोस ने चिन्ह वाला हमला कर दिया मेरे पे। अरे भाई फिर से सैवेज एक्स में चालू कर लेता हूं। सैवेज एक्स चालू तो कर लिया, लेकिन थैनोस अपना सैवेज चिन्ह चालू कर चुका है। वेपन को कर लूंगा मैं शीत और पी लूंगा, नहीं कोल्ड ड्रिंक की जरूरत नहीं है, दो दो गामा वापस इधर ही आ रहा है। बस इसी चीज की कमी रह गई थी अब। बस वही है, सैवेज एक्स चालू है। ओहो नाइस, तो किस्मत अच्छी थी मेरी, सैवेज एक्स चालू था और सैवेज एक्स के चालू रहते ही मैंने तीन चार बार उसको डैमेज दे दिया। रुक ही नहीं रहा यार। चलो चलो, डोडोगामा का टेल भी मिल चुका है मेरे को, जो कि एक रिक्वायर्ड मटेरियल था इंसेक्ट्लेव को थोड़ा आगे क्राफ्ट करने के लिए। आज गजलाकाज ने हेल्प करी मेरी। यूजुअली स्लीप से अफेक्ट होने वाला मैं ही हुआ करता था, पैरालिसिस भी मेरे को ही पड़ती थी, लेकिन इस बार इन्होंने डोडोगामा को पैरालाइज किया। सूंग रहा है वहां पे। गेम के जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने भी वेपन्स हैं उनको डायरेक्ट क्राफ्ट किया जा सकता है, कुछ वेपन्स, सारे वेपन्स नहीं। और उन डायरेक्ट क्राफ्ट किए जाने वाले वेपन से उनकी पावर भी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि मोस्टली वो जो डायरेक्ट क्राफ्ट होने वाले वेपन्स होते हैं वो एल्डर ड्रैगन्स के होते हैं। जरूरी नहीं है सभी एल्डर ड्रैगन्स के वेपन डायरेक्ट ही क्राफ्ट हो सकते हो, कुछ कुछ के लिए इसी तरीके से ग्राइंड करनी पड़ती है। लेकिन एक टाइम आता है गेम पे जब एल्डर ड्रैगन्स के वेपन्स डायरेक्ट क्राफ्ट कर सकते हैं। कौन सा एल्डर ड्रैगन्स है, क्या है, वो मैं नहीं बताऊंगा। फ्रॉम इक्विपमेंट, अरे नहीं मेरे को तो अपग्रेड करना था। डोडोगामा हाइट प्लस, और ज़्यादा चाहिए मुझे, और इसके बाद डोडोगामा टेल तीन पीस चाहिए। तो मेरे को तीन ऐसे डोडोगामा के हंट करने हैं जिससे मेरे को टेल मिले। बेहतर है कि मैं हंट ही ना करूं, मैं कैप्चर करूं उनको, तो वही बेटर आइडिया है। मैनेज आइटम्स में जाऊंगा और देखता हूं, ड्रैग बॉम्ब्स है मेरे पास। ये क्या है, वेट फिश फिन प्लस, वेट फिश फिन। कैप्चर टूल्स वगैरह मैं रख लेता हूँ अपने पास और चल लेते डोडोगामा के और दो तीन हंट पे।
डोडोगामा ड्रामा कंप्लीट हो चुका है। डोडोगामा का इवेंट क्वेस्ट अगर हो तो अच्छी बात है, लगता नहीं है होगा, पर देख लेता हूँ एक बार, क्या पता अगर हो तो। यहाँ पर है लेकिन ट्रिपल थ्रेट में स्पेशल अरीना में तीन तीन लोग हैं, चाहे तो कर सकते लेकिन तीन में टाइम वेस्ट क्यों ही करना। डोडोगामा को डायरेक्ट ही मतलब पकड़ते हैं, डोडोगामा ड्रामा यही क्वेस्ट करने से निकलते। और इस बार मैं यूज़ करूँगा लॉन्ग शॉट। वैसे सच कहूँ तो लॉन्ग शॉट, चार्ज ब्लेड और इंसेक्ट ग्लेव ही मेरे सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वेपन्स है। ग्रेट शॉट भी यूज़ करना आता है मुझे किसी हद तक, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रेट शॉट यूज़ करता नहीं हूँ मैं। स्विच एक्स तो मैं बोलूँगा भी नहीं। तो चलो यार, इसको पटक दिया है मैंने, जल्दी से इसको टेंडराइज कर दूंगा। अरे यार, इस बार गजलकाज ने मेरे को पेल दिया है। ओ धन्यवाद बिल्ले। फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट। चलो, डोडोगामा पैरालाइज हो चुका है और इस बार पैरालाइज मैंने किया है, गजलकाज ने नहीं। हेल्म ब्रेकर तैयार, पहला पार्ट ब्रेक। आज तो इसकी पूंछ काटूंगा मैं। उरागान भी आ चुका है यार। दूसरा पार्ट ब्रेक भी मिल चुका है मेरे को। अगर वो हेल्म ब्रेकर पड़ जाता उसको तो यार, पड़े ना पड़े, पूंछ तो कट गई है। मैं उरागान को क्यों मार रहा हूं, मेरी ये समझ नहीं आ रहा। और बार बढ़िया, फिर से पैरालाइज कर दिया मेरे को गजलकाज ने। मेरे को ऐसा लगता है कि ये लोग एकदम अंधाधुनी मारते हैं जब भी मारते हैं। इनकी लड़ाइयों के बीच में मैं फंस चुका। अरे भाई, तो यार ये पैसिव डैमेज वाले शिनारीगन्स मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। स्लिंगर बॉम्ब उठा लिया है, इसको कर दूंगा मैं। अरे यार, इसको इसी के ऊपर वॉल बैंक दूंगा। Nice. रुक ही नहीं रहा ये। चलो यार, जाने से पहले पी लेता हूं मैं एक कोल्ड ड्रिंक, पैसिव हेल्थ ड्रेन नहीं तो होती रहेगी। वैसे कोल्ड ड्रिंक पीने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि डोडोगामा अलग ही जगह पर है।
मुझे कैप्चर करना था, लेकिन अब क्या ही करे, वॉयलेंस में कब किसकी जान चली जाए पता ही नहीं चलता। मेरे को तो अच्छा लग रहा था कि क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका, ब्रैकिडियोस ने ब्रैकिडियोस ने उरागान को बहुत ही बुरी तरीके से मारा, अगर लास्ट वाली फाइट तुमको याद होगी तो। ये नफरत है यार मुझे इससे। शाबाश। तो यार ये मूव मुझे पता नहीं था, मतलब आग के साथ वो स्लीपिंग गैस भी छोड़ता है, और मैं स्टन भी हो गया। अच्छी बात है लूट पूरी कर ली मैंने, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं उसकी टेल को लूटना ही भूल गया। बट अगर टेल कटी है तो होपफुली टेल का रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए मुझे। बहुत सही गेम, बहुत सही। बस यही देखना बाकी रह गया था यार। अब शुरू ही कर ही दिए तो एक बार फिर से डोडोगामा के हंट पे चल लेते। एटलीस्ट एक हंट यार ऐसा आ जाए कि वो स्पेशल अरीना के अंदर हो, लेकिन स्पेशल अरीना में तो डोडोगामा आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। डोडोगामा ड्रामा फिर से रेडी है, चलो चल लेते हैं। अरे यार इस बार उरागान आता है तो मैं उसको मार डालूंगा, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ चुका है अभी उरागान पे। डोडोगामा से ध्यान ही हटा दूंगा मैं। एज यूजुअल अपना सस्पेक्ट सही जगह पर है। बस यही बाकी रह गया था, हमला भी पूंछ पे करना है। ओहो बड़ी बुरी दहाड़ थी वो। बढ़िया, देख ही सकते हो मैं पूंछ पे ही फोकस। ओहो नाइस, फोकस करने से पहले ही पूंछ कट गई। पैरालाइज हो चुका है ये, मौके का फायदा उठाऊंगा, अपना स्पिरिट गेज फुल करूंगा इससे। नाइस, एक और बार। ओके मेरे को ही अभी उन्होंने पॉइजन डाल दिया। पूरा गाना आ चुका है, बस एक बार मेरे को बस कुछ करने आ जाए उरागान, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। हंट किसी को करने आया था, मरेगा कोई और। चलो अच्छा है उसने, मैंने उसको पत्थर खाने नहीं दिया। फोरसाइट टू हेल्म ब्रेकर, बढ़िया मूव। मरने ही वाला है डोडोगामा ऐसा लग रहा है, और मर गया। तो यार सबसे पहले जाके मैं इसकी टेल कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वो तो जरूरी ही था। टेल मिल चुकी है, स्केल प्लस भी मिल गया है। लाश कहाँ गई,
हाँ यहाँ पे फिर से डोडोगामा टेल, बढ़िया, एक और डोडोगामा टेल। बहुत ही अजीब सी बात है ये, जब जिस चीज की स्कार्सिटी सबसे ज्यादा रहती है वो चीज यूजुअली मिलती नहीं है, और जैसे ही वो चीज मिलती है वो चीज लगातार मिलती रहती है। खैर जो भी है, एक और बार फिर से स्मिथी के पास जाऊंगा, देखूंगा उसके पास मेरे लिए नेक्स्ट लेवल रेडी है कि नहीं इनसे ग्लेव का। एंटीडोट ज्वेल मिला है, कुछ खास है नहीं वैसे। अरे यार एक और चीज़ मैं बताना भूल ही गया कि जल्दी से लोडिंग स्क्रीन कैसे लाते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही वर्कशॉप पे एक बार जाना था तो चल के देख ही लेते हैं। वर्कशॉप अपग्रेड, इंसेक्टलेव, नाइस। चलो अच्छा है यार, एक अपग्रेड तो आ ही गया है। इक्विप नहीं, दूसरा अपग्रेड भी आ चुका है, बहुत नाइस, बहुत सही। तीसरा अपग्रेड नहीं आया है, उसके लिए मेरे को चाहिए मास्टर रैंक डोडोगामा। तो अभी चलना है हंट करने मास्टर रैंक डोडोगामा, तो दो मास्टर रैंक के डोडोगामाज हंट करेंगे और उसके बाद देखते हैं। मास्टर रैंक ऑप्शनल, देख ही सकते हो यहाँ पर है एकदम ही आखिरी पे। क्वेस्ट रेडी ही नहीं किया था मैंने, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो यार क्वेस्ट लोड हो चुका है, चल लेते डोडोगामा हंट पे। तो इस बार होपफुली याद आ जाए हंट के एंड में, मैं तुम्हें बताऊंगा कि जल्दी से लोडिंग स्क्रीन लाने का तरीका क्या होता है। तो यार डोडोगामा रेडी है यहाँ पर, फ्रेश गिरगिट तैयार है यार। कुछ भारी स्लिंगर एमो मिल नहीं रहा। दहाड़ आ चुकी है इसकी फोरसाइट, लेकिन कॉम्बो कंप्लीट नहीं हो पाया। फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट, नाइस। एक और बार परिंदों को मार रहा हूं मैं और परिंदे मुझे मार रहे हैं। बहुत ही बुरा अटैक था। तो एक चीज देख सकते हो, परिंदों के मारने के बाद मेरे ऊपर डिफेंस चैनल पे एक रेड कलर का बार आ गया है, इसका मतलब मेरा डिफेंस जो है वो डाउन हो चुका है। बढ़िया, फोरसाइट कंप्लीट है, अभी बारी है हेल्म ब्रेकर की। यार ये मौका मिला है तो टेंडराइज ही कर लेता हूं यहां पे पूरे शरीर को, वो भी फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट। ओह बहुत ही एरिया ऑफ इफेक्ट ज्यादा था उस अटैक का। अरे यार थोड़ा और पास होना चाहिए था, फिर से कोशिश। बढ़िया, ब्लास्ट ब्लाइट लग चुका है मेरे को, तीन बार रोल करना पड़ेगा। फिर से नाइस,
फोरसाइट। कॉम्बो कंप्लीट। फिर से लग चुका है ब्लास्ट फ्लाइट। फोरसाइट वो देख लेना चाहिए था मुझे। कोई दिक्कत नहीं, कर लेता हूं खुद को मैं हील। और कर लेता हूं वेपन को शार्पन। अभी शायद से कूल ड्रिंक भी एक लेना पड़ेगा। हेल्थ की ज्यादा परवाह कर नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि आई मीन ऑनेस्टली डोडो गामा है तो मैं इतना सीरियसली भी नहीं ले रहा। ओहो बढ़िया टाइम पे मैंने उसको स्टन किया। और ये बढ़िया टाइम पे पैरालाइज भी हुआ, एकदम परफेक्ट। हेल्म ब्रेकर लगा सर पे, सर टूट चुका है इसका। नाइस, एक और पार्ट पे स्पिरिट गेज फुल। अप हेल्म ब्रेकर, ब्लास्ट ब्लाइट। फिर से ये क्या था? एकदम सर पे लगा है उसके हेल्म ब्रेकर। थोड़ी ही जल्दी ही मैंने फोरसाइट डाल दिया। परफेक्ट फोरसाइट था वो। इनवल्नरेबिलिटी फ्रेम भी आ गए थे इसलिए फोरसाइट मारते वक्त मेरे को डैमेज नहीं गया। के पेट के अंदर घुस चुका हूं मैं। काफी ज्यादा पैसिव डैमेज ले लिया मैंने लावा में रुकते हुए। यार कोई बात नहीं। यार अगर बड़ा अटैक मिस हो तो बहुत ही दुख लगता है। मुझे लगा था मैं लाइफ स्पिरिट स्लैश उसको दे सकता हूं लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। अभी तक डोडोगामा कमजोर हुआ ही नहीं, देख ही सकते हो। ब्रैकिडियोस के फुटप्रिंट्स है तो ब्रैकिडियोस पक्के से होगा यहीं कहीं पे। तो यार गैस्ट्रोडॉन भी है, इनके भी कुछ पार्ट्स वगैरह चाहिए थे मेरे को। अरे भाई मैंने डोडोगामा को कमजोर समझा था। मरने ही वाला हूं मैं यार यहां पे। लवासियत भी हाजिर है यहाँ पे। खैर जब तक वो सब दिखे मैं गैस्ट्रोडॉन को लूट कर लेता हूँ। गैस्ट्रोडॉन हस्क शायद 3 पीसेस चाहिए थे मुझे इसके। बहुत सही, वो डोडोगामा के पीछे पड़ा है, मेरे पीछे नहीं। मास्टर रैंक के 2 मॉन्स्टर्स है, इनसे लड़ना एक साथ तो बेवकूफ़ी ही होगी। तो थोड़ा डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं। ओहो लास्ट में नीचे गिरते गिरते डैमेज पड़ गया उसको, एयरबॉर्न डैमेज। सवार हो चुका हूँ मैं।
यार ब्रैकिडियोस भी आ चुका है यहाँ पे। ब्रैकिडियोस यानी कि खतरे की घंटी। नहीं 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 नहीं, क्या भसड़ बची है यहाँ पे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ब्रैकिडियोस डोडोगामा के पीछे, डोडोगामा लवासियोत के पीछे, लवासियोत ब्रैकिडियोस के पीछे। टू मच फन। यार म्यूजिक एकदम बदल चुका है, और म्यूजिक यूजुअली तभी बदलती है जब हंट से कोई दूसरा ताकतवर जीव हो हंट के अंदर ही। इसका मतलब यह है इन तीनों में से ब्रैकिडियो सबसे ज्यादा खतरनाक है। यार ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। चलो पीछा छूटा, पीछा छूटा, एक शॉट प्लीज जोड़ूंगा मां। अरे यार जल्दी से रोल कर लेता हूँ, नहीं तो बेस्ट है यार। इनसे अभी लड़ने का कोई फायदा नहीं है। पतली गली से निकल लेते हैं। मैप में देख ही सकते हो कितनी बुरी तरीके से एक दूसरे के पीछे लगे हुए वो लोग। तो मैप में देखते हैं डोडोगामा मेरी ही तरफ आ रहा है, उसका स्वागत करने के लिए मैं इधर ही तैयार रहूँगा। लेकिन डोडोगामा कमज़ोर हो चुका है तो स्वागत तो थोड़े और अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। कम ऑन, बहुत ही अजीब सा क्वेस्ट था, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने सही बता रहा हूँ कुछ ज़्यादा कुछ मेरा एक्शन था ही नहीं यहाँ पे। जो भी किया ब्रैकिडियोज और क्या नाम था उसका लवासियोत ने किया। ऑलराइट, काफी सारी चीजें आ चुकी है मेरे पास। फोर स्टार ज्वेल भी मिला है, गार्डियन अटैक ज्वेल। गार्डियन अटैक ज्वेल अगर तुम लांस यूजर हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ज्वेल है। इनफैक्ट ये ज्वेल चार्ज ब्लेड यूजर्स के लिए भी अच्छा है, मतलब मैं इसको चार्ज ब्लेड में लगा के यूज़ कर सकता हूँ। एक बार फिर से चल के देखते हैं कितना ज़्यादा प्रोग्रेशन हुआ अपने इंसेग्लेव के क्राफ्टिंग में। अपग्रेड, नाइस। तो यार अभी नेक्स्ट आता है ग्लेविनस का। तो ग्लेविनस के बाद भी ग्लेविनस का एक और वर्जन है, वो पता नहीं कौन सा होगा, तो देखते हैं। पहले एक ग्लेविनस ही पकड़ लेते हैं और उसके बाद मैं देखता हूँ कि ग्लेविनस का जो नेक्स्ट वर्जन है वो क्या है। आइकन तो ऑलमोस्ट सेम ही था लेकिन आइटम अलग था। ट्रैप टूल्स है नहीं मेरे पास, क्राफ्ट करने पड़ेंगे। क्राफ्टिंग लिस्ट में जाऊंगा जल्दी से, दो तीन शॉक ट्रैप क्राफ्ट और एक शॉक ट्रैप इक्विप। नाइस, ओके चल लेता हूँ ग्लेविनस के हंट के लिए। ऑप्शनल क्वेस्ट में होना तो चाहिए ग्लेविनस का। स्पेशल अरीना में ही है ग्लेविनस, चलो उसी की तरफ चल लेते हैं। इस बार सोच रहा हूँ इंसेक्ट ग्लेव यूज करने की ग्लेविनस के लिए। लोड आउट में ही होगा, अगर मेरे पास एयरबोर्न ज्वेल है तो हाँ मैंने डाल रखा है, वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं। और शायद मैं
पॉइजन ज्वेल भी डाल सकता हूँ अपने में ताकि पॉइजन का अटैक जो है वो और थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए। खैर चल लेते हैं ग्लैवेनस को हंट करने। पिछली बार अगर याद होगा उसकी पूंछ काटी थी मैंने बहुत ही स्टाइलिश तरीके से, एकदम एनीमे का कट सीन लगा वो। तो अगर ग्लैवेनस से लड़ाई करनी है सबसे पहले कर लूँगा मैं मील, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आधे हेल्थ में जाके भिड़ूँ मैं ग्लैवेनस से। ओके तो रेडी है अपन। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरी हेल्थ बार थोड़ी सी लो है, मे बी इसलिए क्योंकि मेरे पास हेल्थ बूस्ट लेवल 2 है। खैर कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करूँगा मैनेज करने के लिए हेल्थ बूस्ट लेवल 2 पे ही। साइज ही देख सकते हो यार ग्लैवेनस का। सबसे पहले तो इसको यहाँ पर थोड़ा अटेंशन देता हूँ इसका, और जैसे ही पास आता है अरे बाप रे नाइस। एज यूजुअल पूंछ को मैं करूंगा टेंडराइज सबसे पहले, उसके बाद पैरों को। ये बुरा हुआ तो यार, लेकिन एक चीज अच्छा है, मेरे पास एक नया किन्सेक्ट आ चुका है और उस किन्सेक्ट को मैंने इक्विप नहीं किया। बहुत सही, मेरे से बड़ा चलो जाने दो। बढ़िया डॉज था वो। पूंछ गरम हो चुकी है तो मतलब पूंछ पे वार करना चाहिए। बढ़िया, एकदम पूंछ पे ही चढ़ाऊ मैं। काफी ज्यादा स्टैमिना है ग्लैवेनस पे, बहुत ही जल्दी नीचे गिर गया। खैर कोई दिक्कत नहीं आ रही यार, पूंछ को भी अभी ठंडा होना था। जहर चढ़ चुका है इसको लग तो रहा है। एक इंच और ज्यादा होता तो हेडशॉट लगती। ग्लैवेनस की डिजाइन के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं, तुमको लग रहा होगा कि टीरेक्स से इंस्पायर्ड है, लेकिन टीरेक्स के अलावा एक और जानवर हुआ करता था जिसको क्रिटेशियस पीरियड का बुल भी कहा जाता था, और उस डायनासोर का नाम था कार्नोटोरस। तो डिजाइन देख सकते हो इसका, इसके सर के आगे जो दो अरे बाप रे इसके सर के आगे जो दो सींग लगे हुए हैं उसी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। एक और सवारी मिल चुकी है, इसके पूंछ पे ही वार कर रहा हूं मैं ताकि जैसे ही गर्म पड़े, गर्म पड़ने पर जो वार लगे उसमें पार्ट ब्रेक डैमेज बहुत ज्यादा हो। सर पे भी एक बार टेंडराइज कर ही देता हूं ताकि जहर का असर ज्यादा हो। ग्लैवेनस के डॉजिंग टेक्निक्स भी काफी अच्छे हैं।
उसने शार्प करने की कोशिश की। अच्छा उसने शार्प कर भी लिया, देख ही सकते हो कि टेक्सचर कैसे चेंज हो चुका है पूंछ का। अरे भाई बहुत ही बुरी टाइमिंग। पूंछ को मैं फिर से टेंडराइज करूंगा। चलो अच्छा टेंडराइज एटलीस्ट हो गया। बुरी कोशिश। और ये बहुत ही पतले से एरिया पे लगने के चांसेस है। पार्ट ब्रेक मिल चुका है मुझे सर का। उसके गर्दन भी देख सकते हो, उसकी गर्दन काफी लाल हो चुकी है। तो उसकी गर्दन भी मतलब मॉन्स्टर हंटर के लोर के हिसाब से उसके गर्दन में एक ऐसा सैक है। अरे यार लगते रखते रह गया। बहुत सही, ड्रैगनेटर भी तैयार है। एक बार ड्रैगनेटर बस इसके पूंछ पे एम होके लग जाए, बुरा नहीं था। बहुत ही ज्यादा ट्राई हार्ड कर रहा हूं मैं यहां पे। यार देख सकते हो बहुत ही सही कोशिश थी, वो पूंछ टूट चुकी है उसकी एकदम फिल्मी तरीके से, एकदम एनिमे अंदाज में। उसकी पूंछ टूट चुकी है लेकिन नवाबी उसकी अभी तक घटी नहीं है। और क्योंकि मैंने उसकी पूंछ काट दी है तो उसके मूवसेट भी थोड़े कम हो चुके हैं ऐसा लग रहा है। हेडशॉट, नाइस। ओहो मैंने उसका एलिमेंट खत्म कर दिया, देख ही सकते हो उसके गर्दन से जो लाइट जल रही थी वो जलना बंद हो चुकी है। और इसका मतलब है उसका एलिमेंट जो है मैंने नलीफाई कर दिया है। अब पॉइजन से आग कैसे नलीफाई होता है उसका लॉजिक मुझे नहीं पता। ये बुरा हुआ, ये बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। बढ़िया डॉज, बढ़िया इवेट थे वो। एक और सवारी, बढ़िया डॉज। बढ़िया चढ़ चुका हूं इसके ऊपर मैं फिर से। तो चलो यार पूंछ तो कट चुकी है, अभी हमला करना है इसके सर पे। खुद ही गिर गया अटैक करते करते मुझे। और जैसा कि देख सकते हो शार्पनेस कम हो चुकी है इसलिए मेरे अटैक्स भी बाउंस हो रहे हैं। ओके वो थक चुका है तो इसका मतलब ये है। अरे यार कैप्चर नहीं हुआ ये। मुझे लगा कि वो थक चुका था, वो कमजोर पड़ चुका था। चलो यार ये गया भाड़ में। सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने वेपन को शार्पन कर सकूं। बाप रे
बढ़िया शॉट, हेडशॉट, डॉच रोल, एक और बार, फिर से उसका एलिमेंट खत्म, नाइस। और ज्यादा देर की बात नहीं है दोस्तों, थोड़ा और डैमेज पहुंच जाए इसको बस। बहुत ही ज्यादा बड़ा हेल्थ पूल है इसका। फिर से कैसे गर्म हो गई इसकी पूछ। और भी ज्यादा खूंखार बन चुका है ये। खुद को पहले कर लूंगा मैं हील। बड़ा अटैक आने वाला है, पक्के से बड़ा अटैक, देखा लगाई था। बढ़िया डॉज था यार वो, बहुत ही खतरनाक डॉज था वो। बहुत ही एक्साइटेड हो गया मैं उधर पे। हील कर लेता हूं खुद को पहले। एक और बार, यार मुझे लगा उसी टाइम पे मैं उसको स्टन कर सकता हूं। वन शॉट किया उसने मुझे, मेरी आधी हेल्थ थी ऑलमोस्ट, उसने आधा हेल्थ एक ही बार में उड़ा दिया। तो ये तो यार समझ आता है कि भले ही मैं उसकी पूंछ काट दूं, उसके पूंछ से होने वाली डैमेज कम नहीं होगी। स्टोन उठा लूंगा मैं इसको, एटलीस्ट मेरे को एक वॉल बैंक तो देना ही है। बहुत ही ज्यादा बड़ा हेल्थ पूल है यार इसका। बहुत ही बुरा अटैक, बहुत ही अच्छा डॉज, और ग्लेविनस खत्म, नाइस। छोटे से अरीना में उसको लड़ते लड़ते मेरी ही जान निकल गई। ग्लेविनस का कॉर्टेक्स मुझे मिला जबकि मैंने उसकी पूंछ काटी। अजीब बात है बट ठीक है, समझ नहीं आया मेरे को ऐसा क्यों हुआ। ग्लेविनस का टेल ब्लेड मिलना चाहिए था मेरे को। कुछ सिल्वर ड्रॉपिंग्स भी है वो भी उठा लेता हूँ, ग्लेविनस शार्ड्स। बड़ी अजीब बात है ये, क्योंकि जब भी किसी मॉन्स्टर की पूंछ कटती है उसका पूंछ का ही हिस्सा मिलता है, बट ग्लेविनस के इसमें ऐसा हुआ नहीं, मुझे नहीं पता क्यों। दस सेकेंड और बचते और 10 सेकेंड खत्म। ओके, टेल रिज मिला है मेरे को, नाइस। तो ग्लेविनस की पूंछ ही ऐसी चीज है जो मैक्सिमम उसकी वेपन्स क्राफ्ट करने में काम आती है। तो यार एक और चीज मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा यहाँ पे।
क्योंकि मैंने ऑफ स्क्रीन ही थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग वाले क्वेस्ट करे थे, तो इससे तुम देख सकते हो मैं अगर मैनेज इक्विपमेंट में जाऊंगा, मेरे पास दो नए किन्सेक्ट्स है, एक तो पता नहीं क्या तो भी इसका नाम है। तो ये जो किन्सेक्ट है इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है लेकिन स्पीड बहुत कम है, और ये जो इंसेक्ट है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, डैमेज बहुत कम है, और ये हीलिंग भी अच्छा खासा देता है, इसकी हीलिंग भी ठीक ठाक ही है। तो अभी के लिए तो मैं यही लूँगा क्योंकि मैं अभी थोड़ा हाई डैमेज पे फोकस करना चाहता हूँ। अगर एक बार मरता हूँ किसी क्वेस्ट में तो दूसरी बार शायद मैं स्पीड वाले एक इंसेक्ट को लेकर आऊँगा। तो चलो चलते हैं वर्कशॉप पे, देखते ग्लैवनस का वेपन मेरे लिए तैयार है कि नहीं, होपफुली होना तो चाहिए। अपग्रेड इक्विपमेंट तैयार है यार, ग्लैवेनस का वेपन तैयार है, तो यार कर लेता हूँ मैं इसको इक्विप। नेक्स्ट वेपन के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन अभी वेलकाना के क्वेस्ट के लिए निकल सकते हैं। पोस्ट न्यू क्वेस्ट में जाऊँगा असाइंड, तो यार अ टेल ऑफ आइस एंड फायर, फाइनली आइस बॉर्न वाइवर्न के साथ पहली लड़ाई शुरू करते हैं। काफ़ी मज़ेदार होने वाली है ये फाइट। अरे किन्सेक्ट चेंज कैसे हो गया मेरी समझ नहीं आ रहा, किन्सेक्ट को मैं फिर से चेंज ही कर लेता हूँ। और सबसे पहले तो जो मैं जाके मील करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता वेलकाना से लड़ते टाइम मुझे कोई परेशानी हो। मील हो चुका है ख़त्म, तो यार चल लेते हैं एडवेंचर पे। बहुत ही ज़्यादा टाइम लग चुका है लोडिंग पे, क्वेस्ट भी लगता है लंबा ही होने वाला है। Before I left, my grandfather gave me this shard. I think he brought it back from the new world. Yeah, I know. The rules say take nothing back. But still, he wanted me to partner. Tell me. Why do you think people leave their homes and also their loved ones? Knowing that they may never make it back home. I wonder what my grandfather was thinking, bringing this thing back with him. He was a carefree man, but he took researching this very seriously. In the end, he never did find out what it was. Why did he bring it back with him? Why me? वेलकाना का क्रिस्टल लग रहा है ये मुझे। Maybe he was thinking she'll get the job done. 40 years ago, their expedition failed, so they left it to the next generation, hoping we'll succeed. And now we're here because someone believed in us. So you know what? We won't fail. तो ऐसा लगता है कि इसके जो ग्रैंडफादर थे वो फर्स्ट फ्लीट के मेंबर थे। तो यार फाइनली फाइनली वेलकाना को क्वेस्ट। तो यार देख सकते हो ये बहुत ही ज्यादा स्लो इंसेक्ट है, लेकिन इसका जो किन्सेक ड्रिल का जो ड्राइव है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। इसका मतलब किन्सेक ड्रिल करते करते ये बहुत ज़्यादा डैमेज देते हुए जाता है। ऑलरेडी कट सीन तक पहुंच चुके हैं, बहुत सही।
बहुत ही खूबसूरत ड्रैगन है यार, बहुत ही ज़्यादा। और जितनी खूबसूरत है उतनी भी खतरनाक। तो आग की जगह मुंह से बर्फ छोड़ती है ये। इसके मूव सेट को थोड़ा देखना पड़ेगा। इसी पॉइंट पे मैं इस पे एक और बार, फिर से नहीं। बहुत ही बढ़िया डॉज था वो, मुझे नहीं लगा था वो एकदम उसका सर्कुलर अटैक आएगा करके। थोड़ा डिस्टेंस लेता हूं मैं, देखता हूं इसको वॉल बैंक करने के लिए कहीं कुछ होता है कि नहीं। कुछ क्रिस्टल बर्स उठा लेता हूं मैं। इधर आ वेलकाना। नाइस, एक वॉल बैंक बस, बढ़िया। किंसेक्ट को रिचार्ज कर लूंगा मैं। तो यार इस किंसेक्ट से देख सकते हो डबल चार्जेस मिलते हैं मेरे को, जबकि पुराने किंसेक्ट से सिर्फ एक ही चार्ज मिलता था। और इस किंसेक्ट के ड्रिल में भी ज्यादा डैमेज है। बढ़िया, एक सवारी मिल चुकी है यार। ऊपर से दिखने में ड्रैगन देख सकते हो किसका डिजाइन कितना ज्यादा बढ़िया है। मैं सही बता रहा, किसी बंदे ने रुक रुक कर वो एक एक स्केल बनाया होगा। बहुत ही ज्यादा यूनिक डिजाइन है पूरे मॉन्स्टर के रोस्टर पे। सबसे ज्यादा यूनिक एल्डर ड्रैगन अगर कोई है तो वो ये है। उसका एलिमेंट मैंने ऑफ कर दिया क्या? शायद कर दिया। नाइस, बढ़िया। अरे नीचे नहीं गिरी ये। उसके ही अटैक पे घुस गया मैं। बढ़िया शॉट। स्टैमिना खत्म था, मैं रोल आउट नहीं कर पाया वहां से। मुझे लगा था उसके पूंछ पे लगेगा, खैर कोई दिक्कत नहीं। एक शॉट, बढ़िया। तो यार देख सकते हो जो किंसेक्ट ड्रिल है वो कितना ज्यादा ताकतवर है इस वाले किंसेक्ट का। सही टाइम पे रस्ते से हट गया मैं। नाइस, अरे बाप रे, स्टैमिना धीरे धीरे मेरे खत्म होता जा रहा है। अरे नहीं, नहीं होना था वो। बढ़िया, ओके ओके। मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी क्वेस्ट खत्म होना चाहिए। नहीं, कुछ तो ऑफ कोर्स कुछ तो गड़बड़ थी ही। कट सीन आ जाएगा क्या?
ऑफ कोर्स कट सीन आएगा। सीरियसली सीरियसली ड्रैगन के ऊपर आर्मर? हैंडलर को नहीं आना था इधर पे। यार इसके लिए क्या क्या नहीं झेलना पड़ता यार। सिर्फ शक्ल अच्छी है इसकी और कुछ नहीं। कुछ ज्यादा ही खतरनाक ड्रैगन थी वो, हर तरीके से। डिजाइन भी उसका, उसके मूव सेट भी, उसके अटैक पैटर्न्स, और यहां पर आई बचाने यूजलेस हैंडलर। अच्छा वो कागज नहीं था, नहीं तो अभी तक खत्म हो चुका होता था। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट लगती है मेरे को, मुझे लगता है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट उसके ग्रैंडफादर का होगा, जो अपनी हैंडलर रहती है उसके ग्रैंडफादर का। ओके, वेलकाना यहीं से निकली। ये बुरा हुआ यार, ये नहीं होना था। वेलकाना को मारा नहीं मैंने, वेलकाना को बस मैंने भगाया है। मुझे लगा था कि काफी जल्दी क्वेस्ट खत्म हो गया। खैर कोई दिक्कत नहीं। Be the difference between success and failure. That is all.
dismissed. तो यार मुझे लगा था इस एपिसोड को मैं प्रीमियर पे डालूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं ये करूंगा, क्योंकि वेलकाना को मारा नहीं मैंने, वेलकानो को सिर्फ भगाया है. हेड टू द होरोफ्रॉस्ट रीच. चलो चल ही लेते होरोफ्रॉस्ट रीच में, क्या ही करना अभी. शायद होरोफ्रॉस्ट रीच में चलने के लिए इसलिए कहा गया था क्योंकि फर्स्ट फ्लीट की जो ट्रैकर थी वो नीचे गिर गई थी, और मे बी उसको ढूंढने के लिए भेजा होगा, और शायद अपने को सिर्फ भेजा है बुरी खबर का क्या कहते हैं कटसीन दिखाने के लिए. ओके, अगर वेलकाना यहाँ पर है तो यार सबसे पहले तो मैं मील ही करूँगा. कैंटीन डिसेबल है, बस ख़त्म यार, नहीं करना मेरे को क्वेस्ट वेस्ट कुछ. मेरे पास चिकन वगैरह भी नहीं है यहाँ पे. पहले तो मैं बारबेक्यू बना लेता हूँ. बस एक बार रॉ मीट मिल जाए, रॉ मीट नहीं मतलब एक कुक मीट मिल जाए तो स्टैमिना भी अच्छा खासा रहेगा. टंड्रा वाइवेरियन कहता है, वेरी स्टार्टलिंग, यू आर स्टिल हियर, आई थॉट यू वुड हैव लेफ्ट. द वीक फ्ली द स्ट्रॉन्ग, इट्स इन नेचर्स कोर्स. But it is also instinct to stand and fight. It's instinct to stand and fight. All we can do for now is press forward. यार कुछ भी हो, बस ये press forward ना कर दे, क्योंकि अगर ये press forward करने लगी तो attack मेरे को पड़ेगा. तो यार यहाँ पर मुझे नहीं लगता कुछ मिलने वाला. ओके, वेलकाना आइस क्रिस्टल्स, वेलकाना यहीं कहीं है गारंटीड. और सबसे पहले तो सही रास्ते पे हो. तो सबसे पहले तो मुझे जाना जहाँ पर ट्रैकर फंसी हुई थी, और जितना मुझे याद है वो एरिया बैरियोथ के गुफा के पास का एरिया लग रहा था. अगर तुम्हें याद होगा वहाँ पर जो एक बड़ी सी दीवार थी जहाँ पर ट्रैकर जस्ट चढ़ी थी. और मज़े की बात तो यह है कि वेलकाना ट्रैक्स भी इधर ही पे मिल रहे हैं, बैरियोथ के भी फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं, लेकिन बैरियोथ से नहीं लड़ना अभी मेरे को. और भी फुटप्रिंट्स है, ये है ट्रैकर के फुटप्रिंट्स. और अगर तुम्हें याद होगा यहाँ पर एक दीवार हुआ करता था. अरे कहाँ लेके जा रहा है मेरे को ये? जितना मुझे याद है यहाँ पर एक दीवार हुआ करता था, तो यहीं पर चल के देखते हैं, क्योंकि चांसेस है कि अगर ट्रैकर यहीं पर ऊपर की तरफ गई होगी तो गिरी भी इसी तरफ होगी. तो यार चलो चल के देख लेते हैं. ये एरिया नहीं था यहाँ पर पहले, अगर तुम्हें याद होगा तो. बहुत ही नया एरिया है. पावर कोन, ओके, पावर कोन से डैमेज बूस्ट मिलता है, ठीक है. लेकिन अभी पीछे की तरफ ही जाना है क्योंकि यहाँ पर हैंडलर है. और ऐसा लग रहा है स्काउट फ्लाइज अभी हैंडलर के पीछे ही पीछा करवाना चाहती है. और हैंडलर इधर ही आ रही है.
human? अजीब बात है यार. Human footprints, and on the small side too. It's got to be her. They're headed in the same direction as the Velkanas. You don't think? लगा ही था मेरे को, क्योंकि यहाँ पर पहले एक दीवार हुआ करता था, और जैसे ही मैं वहाँ पर चढ़ा वहाँ पर दीवार नहीं थी, तो मुझे लगा ही था कि वहाँ पर क्या कहते हैं वेलकाना मौजूद होगी. वेलकाना नहीं, मेरा मतलब था ट्रैकर. बस ये भी अभी ट्रैकर की तरह ही खत्म होने वाली थी. The cloth from the ship looks just like this. I'm sure of it. लेगियाना, ऑफ कोर्स. ये लेगियाना नहीं है. एग्जैक्टली. लगाई था ओके. स्ट्राइकिंग लेगियाना, इसके साथ लड़ाई खतरनाक हो सकती है. चलो अच्छा है, दो पावर अप्स पहले ही निकालिए. क्या नोटिस किया तुमने? नोटिस किया वो चीज? उसके हर एक अटैक पे एक फॉलो अप अटैक जा रहा है. ओके बढ़िया. एक टेंडराइज, एक उसके फेस भी करूंगा मैं. नाइस. स्टैमिना भी कम है काफी इस बार मेरे पास. दूसरा पंख भी हो चुका है टेंडराइज, बहुत सही. ये देखा, ये देखा, ये क्या यार. ठीक है उसने मारा सही है, लेकिन वो डीले होके जब अटैक आता है ना, वो सही नहीं लगता. ये इसी की बात कर रहा हूं मैं. तो वो डीले जो है वो पता नहीं क्यों होता है. वो कहने के लिए तो बोल सकते कि प्लेयर को थोड़ा टाइम देने का है भागने के लिए, लेकिन इससे ज्यादा प्लेयर कंफ्यूज ही हो रहा है. ये क्या था, ये क्या था? बर्फ के कांटे और स्प्रेड हो रहे वो भी. किनसे फिर से चार्ज कर लेता हूं. नाइस. इसके पैरों पर बढ़िया एक्सट्रैक्ट मिल चुका है. इसकी सवारी करनी है मुझे अब तो सवारी. नाइस. चारों जगह टेंडराइज है इसके. होपफुली कुछ अच्छे अटैक्स मिल सके मुझे इस टाइम पे, खास करके हेड पे. Yeah.
बढ़िया बढ़िया। पैरियोथ भी आ चुका है यहाँ पर पे। मारूंगा और मारूंगा और पार्ट ब्रेक। नाइस। एक और एक और एक और। डरफोर डरफोर नो डरफोर। डरफोर नहीं होगा। लगियाना निकल रहा है। नहीं निकल नहीं रहा। डरफोर डरफोर। नाइस नाइस। चल बैरियोथ। यार बैरियोथ 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 फिट गया। नाइस। अभी एक और बार। दोनों ने एक ही साथ पे रोल किया। मैं इवेट नहीं कर पाया उसको। यार क्या अटैक सही है। अगर वो बैरियोथ को इस तरीके से हैंडल कर रहा है तो सोच ही सकते हो मतलब किस लेवल का प्राणी होगा वो। बैरियोथ भाग गया यार। एक और सवारी। नाइस बढ़िया। यार इंसेक्ट ग्लेव का यही है। मॉन्स्टर को मारो चढ़ो मारो चढ़ो मारो चढ़ो बस। और इसी तरीके से इनको मारना चाहिए यार। ये स्कैमर है सबके सब। मैं सही बता रहा हूँ। डिलेड अटैक मारते हैं। एक तो रेंज अटैक रहते हैं इनके पास। ओह हवाई अटैक। कोई नहीं एक लग जा बस बढ़िया। एक और। नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सीरीज था वो। डैमेज देखा वो। ऊपर से आइस ब्लाइट। थोड़ा दूर जाता हूँ मैं। ऊपर से मैंने मील भी नहीं किया तो एक तो हीलिंग पड़ने वाली है नहीं मेरे को। वो मिल चुकी है। नाइस। ये देखो ये इसी की बात कर रहा था मैं। ये फिर से आइस ब्लाइट। नहीं यार पावर अप्स खत्म हो चुके हैं मेरे। किन्सेक्ट को फिर से भेजता हूँ मैं। पहला एक्सट्रैक्ट दूसरा एक्सट्रैक्ट। नहीं ये तो ग्रीन था। सारे एक्सट्रैक्ट कलर हो चुके। नाइस। ऊपर नीचे किन्सेक्ट ड्रिल। एक और बार। ये देखा ये इसने हल्का सा। ओहो नाइस। एक हेडशॉट तो लगाना ही है इसको। हेडशॉट मिस कर दिया यार। बहुत ही आसान हेडशॉट था वो। पार्ट ब्रेक मिला बढ़िया। ये उसने पंजा मारा यार। बर्फ आ गया। किन्सेक्ट ड्रिल के टाइम पे वो हमेशा हट ही जा रहा है वहां से। अगर किन्सेक्ट ड्रिल पता नहीं तो मैं बता देता हूं क्या है। जब इंसेक्ट ग्लेव से नीचे की तरफ ऐसे वाला वार करते हैं ना तो किन्सेक्ट अपने को फॉलो करता है ऐसे। तो वो जब भी फॉलो करता है ना तब ऐसे करके डैमेज और एक्सट्रैक्ट्स लेके आता है। और वो हर बार फॉलो के टाइम पे हट जा रहा है। देखो चलो अभी 20-20 का डैमेज आया एटलीस्ट। इसको तो मैं एक वॉल बैंक दूंगा। बढ़िया। ना ना खैर कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा आगे निकल लेते। इसने ऑलमोस्ट मुझे ख़त्म कर ही दिया था वो भी वन शॉट पे। ये क्या है। एक गुफा लग रही है। वो आवाज सुनी तुमने। वो आवाज सुनी है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि एक दूसरा लेगियाना आने वाला है। बस बस लगा ही था। पता है मेरे को कैसे पता चला। क्योंकि एंशिएंट फॉरेस्ट में भी जब रैथलॉस दहाड़ता है तब रैथियन आ जाती है। इसी तरीके से एग्जैक्ट इसी तरीके से।
पास जा इंसेक्ट। नहीं यार ये एक और है, एक नहीं संभल रहा था ये। बस खत्म है अभी, ये खत्म हूँ मैं, नहीं लड़ना मेरे को यार। नोज डाइव, फिर से नोज डाइव। हेल्थ पोशन पीने का भी टाइम नहीं है, दोनों का एक साथ, बहुत सही। बस यही रह गया था, खत्म है। एक सेकंड के लिए मैंने बिल्ले का हील लेने के लिए, अरे भाई रुक जाओ यार, एंटीडोट नहीं, नहीं यार बस अब नहीं होता, और अब नहीं भागूंगा। अब नहीं भागना मेरे को, अब तो अंधा मारूंगा मैं बस। फिर से आइस ब्लाइट, बच गया मैं। नहीं यार पूरा, बुली हो रहा हूं मैं यहां पर। नाइस, बस नहीं फर्क नहीं पड़ता मेरे को कि किस लगियाना के ऊपर चढ़ा मैं, मुझे बस चढ़ना है किसी के ऊपर और हो सके तो उससे डबल डैमेज देना है पुराने वाले लगियानों को भी। बस इसको गिराऊंगा, फिर उसी के ऊपर वही वार करता रहूंगा मैं लगातार चढ़ने वाला। बस लगा दी फ्लरी, अभी ये गया पानी में छपैक। बस अब इसके ऊपर भी चढ़ेगा माइक, क्या अटैक्स है ये, वो फिर से वही, ये भी वही अटैक लगातार स्पैम करने पड़े यार, ऐसा लग रहा है दो मतलब स्पैमर से लड़ रहा। बस वो भाग रहा है दूसरी तरफ, मेरा बिल्ला उसको संभाल रहा है, बहुत सही बिल्ले। नाइस, मारूंगा अब, अब छोड़ना ही नहीं, और बस यार नहीं डॉज। अरे मुझे लगा था ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया मैंने, खैर कोई दिक्कत नहीं। हील है बिल्ले, नहीं कोई बात नहीं। क्रिस्टल मिल चुके हैं मेरे को, होपफुली इससे हल्का सा किंसेक बूस्ट वगैरह भी मिल जाए। ओके फिर से, फिर से एक और बार, बढ़िया डॉज, नाइस हेड पे, बढ़िया, और बस, और बस ऐसे ही होना चाहिए, जमे रहे बस, खत्म यार, अच्छे दिन खत्म। रेड एक्सट्रैक्ट, व्हाइट एक्सट्रैक्ट, बच गया, बूम, येलो एक्सट्रैक्ट, नाइस, बहुत सही। फिर से नहीं, टेंडराइज,
बहुत सही मौका है। नाइस, एक और बार किनसे ड्रिल, पॉड्रिक, बढ़िया। टेंडराइज फिर से, नाइस। वॉल बैंक, एक और, एक और, बस, नाइस, बहुत सही। इस शक्ल को भी टेंडराइज कर दूंगा यहीं पे। किनसे चार्ज, डॉज रोल, अरे यार नहीं, गलत मूव, गलत मूव, एक गलत मूव, उसकी पनिशमेंट बहुत बुरी थी। तो यार हॉट स्प्रिंग पे हूं तो आइस ब्लाइट अपने आप ठीक हो गया है। बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, तेरे को ऐसे ही खत्म करूंगा मैं। नाइस यार, शार्पनेस कम हो गई है, शार्पनेस कम नहीं होनी चाहिए थी, शार्पनेस नहीं कम होनी थी। खैर कोई दिक्कत नहीं, बस बढ़िया बढ़िया, ब्लू शार्पनेस को ही मारना है। थैंक्स बिल्ले हील के लिए। यार मैं सही बता रहा हूं, अगर अभी मेरा हेल्थ बूस्ट होता ना, क्या डॉज था वो, बढ़िया। एक बार, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था यार, ये क्या हाई जंप वाले मूव से, ये ओके दूसरी तरफ लेके आने निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बेरियोथ विल लीव द लोकल सून, ठीक है, अच्छी बात है, लीव ही करना चाहिए इसको। मैं पहले हील कर लेता हूँ खुद को और शार्पन भी कर लूंगा। इन हिरणों से हील मिलेगी क्या, देखते हैं एक बार। हाँ मिल रही है, नाइस, काफ़ी अच्छी हील मिली है इनसे। खैर अच्छा है, किधर स्ट्राइकिंग, नहीं, ओके ओके, ये पैटर्न मुझे समझ आ रहा है कि साइडवेज अगर मैं रोल करूँ तो वो उस तरफ उसके बर्फ वगैरह आ नहीं रहे, और उसके पैरों के जितना करीब है वो उतना मुश्किल है मेरे को उसका बर्फ लगना। ओके नाइस, आजमा कर देखेंगे। यार मैं हवा में था, मुझे कैसे लगी बर्फ, नहीं लगनी थी वो। बढ़िया, नीचे उतर, नीचे उतर। अच्छा भाई इस हंट में मैं लॉन्ग शॉट लेकर के नहीं आया यार, कैसे नहीं होता यार ऐसे। थैंक्स बिल्ले, बहुत ज्यादा एनॉइंग फाइट है इसकी। चलो ये कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो मैं गिरा फिर भी। एक पंख टेंडराइज, नहीं 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 नहीं, बढ़िया बढ़िया सेव, बढ़िया सेव, एक और बार, नहीं नहीं यार, हील कर लूंगा खुद को। हेडशॉट, नाइस,
गाइस एक और बार प्लीज 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 पार्ट ब्रेक बढ़िया एक और सवारी चाहिए मुझे परफेक्ट टाइम पे पावर अप्स खत्म हो चुके हैं मेरे बढ़िए वाइट पावर अप नाइस वो भी मिल गया इंसेक्ट चार्ज नहीं 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 गलत मूव लेगियाना के पनिशेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है अगर एक भी गलत मूव में कर रहा हूं तो उससे बहुत मतलब एक तो आइस ब्लाइट आ रहा है मेरे को ऊपर से हेल्थ आधी कम हो जा रही है कुछ मतलब कुछ ज्यादा ही है यार ये आई मीन वेलकाना भी इतना हेल्थ कम नहीं करती थी अगर उसके अटैक्स बहुत ज्यादा खतरनाक वाले नहीं हुए तो ये तो लिटरल स्पैमर है अरे यार इंटरनेट खत्म हो गया मेरा खैर कोई दिक्कत नहीं बढ़िया सबसे पहले तो टेंडराइज करूंगा पंखों को नहीं सर को टेंडराइज होते ही अरे नहीं परफेक्ट किस्मत अच्छी है मेरी कि मेरा स्टैमिना अभी तक मेरा साथ दे रहा है शुरू में जो क्या कहते हैं चिकन खाया था स्टेक वो काम आ रहा है ओहो कहाँ जा रहा है ये अभी कमजोर हो गया नाइस 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 इसको यार इसको कैप्चर करना है अगर इसको कैप्चर नहीं किया तो बहुत बुरा होएगा जल्दी से नज़दीकी कैंप में जाऊंगा और बना लूंगा मैं अपना ट्रैप टूल आइटम बॉक्स मैनेज बनाने की ज़रूरत नहीं है ट्रैप टूल ऑलरेडी पड़ा हुआ है बस मैं यार यही उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर दूसरा लेगियाना ना हो क्योंकि अगर वो हुआ अगर वो हुई क्योंकि जितना मेरे को लग रहा है कि श्राइकिंग लेगियाना जो है वो मेल लेगियाना है और जो नॉर्मल जो लेगियाना है वो फीमेल लेगियाना है क्योंकि उसमें वो ब्यूटी एलिमेंट थोड़ा मिसिंग है श्राइकिंग लेगियाना में श्राइकिंग थोड़ा सा ज़्यादा खूंखार लग रहा है फीमेल लेगियाना में पता नहीं थोड़ा सा वो ब्यूटी एलिमेंट है तो मुझे लग रहा है कि फीमेल जो है वो नॉर्मल लेगियाना है स्पेक्यूलेशन से सिर्फ मुझे नहीं पता दोनों है ही लेगियाना बट कुछ भी हो यार उसको कैप्चर करना है मेरे को बस थोड़ा दूर है वैसे उसका कैप्चर एरिया लेकिन गिली मैंटल तो तैयार है अगर मेरे पहुंचने तक अगर वो उठ भी गया होगा तो मैं गिली मैंटल पकड़ के उसको ट्रैप करूंगा सोच सकते हो कि बैरियोथ को अगर उसने उठा के पटक दिया तो मतलब कितना ही ज्यादा खतरनाक ओपोनेंट होगा वो थक गया मेरा बंदा नाइस आगे सही रास्ता है हाँ यही है ओरोफ्रोस्ट रीच दिखने में भी बहुत सुंदर है मैंने फाइट के बीच में इतना ध्यान ही नहीं दिया खैर ले गया ना खत्म अभी श्राइकिंग ले गया ना बढ़िया तो अरे एक बार इसके डिजाइन को थोड़े और अच्छे से देख सकते हैं मतलब देख ही सकते हो कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें और लेगियाना में लेकिन उसके जो बॉडी के पैटर्न है वो थोड़े से और मतलब डल कलर के हैं कह सकते हैं
जो नॉर्मल लेगियाना के बॉडी पैटर्न थे वो थोड़े सैचुरेटेड थे, इसके थोड़े डल हो चुके हैं। वहाँ पर देख सकते हो लेगियाना वगैरह ऐसे उड़ रहे हैं, मतलब चिड़ियों की तरह। और वो देखो यहाँ पर एक बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पैरट है। इसको मार सकता हूँ क्या मैं? नहीं, पहुँचेगा ही नहीं। कुछ ज़्यादा ही तादाद बढ़ चुकी है इनकी। खैर यार, चलो इसको तो पकड़ लिया है मैंने, माइनिंग भी हार्वेस्ट कर ही लेता हूँ। नाइस। और कुछ है? ये भी है। एक्सपीडिशन कंप्लीट करना है और वापस निकलना है। वहाँ पर ग्रीन कलर का मार्कर मेरे को दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है उधर पे, या फिर वो मेरा ही कैंप है। जाके देखते हैं। हाँ, मेरा कैंप नहीं लग रहा, वो कुछ और ही है। तो देखता हूँ चढ़ पाता हूँ कि नहीं। यहाँ पे कोई रास्ता है तो नहीं लग? ओ है। पूरा स्पाइडरमैन। ओहो, एक और बिल्ला है यहाँ पे। नाइस। चिल श्रूम है और मैग्नाडोरा भी है। खैर मशरूम वगैरह बाद में देखते हैं, पहले तो ओ ये तो मैक्स्ड आउट है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर और भी ओर वगैरह पड़े हुए हैं। नाइस। तो यार बहुत ही मज़ेदार क्वेस्ट था लेगियाना का। थोड़ा रश ज़्यादा था उस पर, मैं ये तो नहीं बोलूँगा आसान था, क्योंकि वो आसान था नहीं, बट खैर। तो आई गेस हो चुका है एक्सपीडिशन कंप्लीट करके वापस जाना है, लेकिन कुछ और भी मेरे को यहाँ पर ट्रेल्स मिल रहे हैं और मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या है। और ड्रिंक्स पकड़ लेता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बैरियोथ तक लेके नहीं, फुटप्रिंट्स ही है। खैर जाने देते हैं। तो यार मैं करूँगा रिटर्न फ्रॉम एक्सपीडिशन। कुछ ज़्यादा ही अनोइंग फाइट थी वो, अनोइंग भी थी मुश्किल भी थी। ओहो, पहुँच गए इसकी तरफ। बिल्ला बतख के कॉस्ट्यूम पे Velcana's nest must be nearby. You're right. Its home must be here somewhere. We just gotta find it. So, who's in? I'm in. I want to learn more about Velcana. Together we can solve this mystery and make history. That's the spirit. That monster is growing in power.
We can't chase after it now. Let's head back and regroup first. Okay. बिल्ले को लगता है कुछ नए इक्विपमेंट्स देने पड़ेंगे। कब से वो हाई रैंक के इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा, तो यार काफ़ी सारी चीज़ें मिल चुकी है श्राइकिंग लेगियाना के। देखता हूँ मास्टर रैंक श्राइकिंग लेगियाना, इसके पास क्या आर्मर है क्या नहीं। और इसके वेपन का एलिमेंट तो देखकर ही पता लग रहा है कि वेपन का एलिमेंट आइस होगा श्राइकिंग लेगियाना का। लेकिन अभी के लिए वाइपर कटाची का तलवार काफ़ी है। अगर ज़रूरत पड़ी आगे चल करके तो कोशिश करूँगा एक नया। अरे यार ट्राइगर कहती है Don't think you're getting away that easy. After we finish this meeting, you'll stick around for some advice from a concerned friend, all right? एक सेकंड के लिए मुझे लगा वॉइस एक्टिंग करनी पड़ेगी, बट नहीं, अच्छी बात है ये लोग बोल ही रहे हैं। That said, those notes you found are definitely worrying. Song, impact on the ecosystem, old Everworm. Old Everworm पता नहीं क्यों ड्रैगन का ही नाम लग रहा है मेरे को। आई मीन वायर, डब्ल्यू वाई आर एम, वाइवर्न और वायर्न जिसके लिए यूज़ होता है तो उसको ड्रैगन के लिए यूज़ करते हैं। तो कुछ तो भी एंशियंट ड्रैगन के बारे में बात चल रही है। I'm not ready to buy wholesale into some scratches we happen to find on a piece of cloth, but it's all eerily similar to what's going on. Well, at any rate, this is vital intel. I'll be sure to talk to my old man. Thanks. And be sure not to leave out a single detail, huh? Of course. Now, if we're sure that Velkana is back in the Reach, then we need to hurry with the weapon shipments from Astera. About that. Just a bit ago, we received a report that a subspecies of Anjanath was spotted along the route to the landing area. Subspecies of Anjanath? पक्के से वो electricity वाले Anjanath की बात चल रही होगी। What? Why didn't you say so? If the weapon transport comes now, they're gonna get trampled. Sorry to ask you this when you've just gotten back, but could you two go out and hunt that Anjanath? Be on the lookout for the transport's arrival. And once your partner's taken care of the Anjanath, lead them here to Celiana. Roger that. We'll send word if any trouble pops up. I'm counting on you to bring everyone back safely. Good luck. यार Anjanath से मैं बाद में निपटूंगा। Fulgur Anjanath, okay. सबसे पहले तो यार मैं स्मिथि के पास जाऊंगा, देखता हूँ कुछ है कि नहीं उसके पास मेरे लेने। होना चाहिए, आगे भी श्राइकिंग लेके आना को हंट करे। और यहाँ पर स्मिथि है, देखते क्या बोलता है ये। ओए फाइवर, Land over at the research base brought me something. Yeah, I know what you're thinking about him, but hear me out. He drafted up one of the oldest designs I've seen. Said he got inspired by the Hoarfrost Reach. Odd and that lad are a right fit, but despite that, it shows promise. However, it's still missing something. And the sparks he need to finish the job will come from the new quest he's come up with. Stay tough. Boa Boa Constrictor. He said the name was. Okay. He's a good lad. Give him a hand, would ya? 14 Boa Boa. वो गाजा लकास जैसे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स होते हैं, उनको मारना है। और क्या है इसके पास? Let me bend your ear for a moment. It's about the lad working over at the research base. अच्छा फिर से वही डायलॉग है। सेम है, said the hot prince, ठीक है। ओके। ट्रेजर इन स्टीम, कलेक्टिंग वाला मिशन है, कर सकते हैं। खैर अभी नहीं, आर्मर में जाऊंगा। ओके ब्लैक बेल्ट, ये कौन सा आर्मर है मुझे नहीं पता। स्किल्स वगैरह ठीक ठाक ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। श्राइकिंग लेगियाना, तो यार गोल्डन आर्मर है श्राइकिंग लेगियाना का। ईवेड एक्सटेंडर लेवल 2, फोकस लेवल 2, बढ़िया। चेस्ट पीस पे भी फोकस लेवल 2, मैराथन रनर लेवल 1, ये भी सही है। वेस्ट पीस पे ईवेड एक्सटेंडर लेवल 2।
यार मन तो कर रहा है कि यही क्राफ्ट कर लूँ। मैराथन रनर क्या है? रिड्यूस कंटिन्यूस स्टेमिना डिप्लीशन बाई 30%। ओके, ये क्राफ्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ग्रेट स्वॉर्ड के लिए फोकस बहुत ज़्यादा काम आता है, नहीं वो भी नहीं कर सकता मैं क्योंकि ग्रेट स्वॉर्ड अभी यूज़ कर नहीं रहा। इवेड एक्सटेंडर क्राफ्ट कर सकता हूँ, क्रिटिकल ड्रॉ भी है इसमें, तो चलो यार पहले यही क्राफ्ट कर लेता हूँ मैं। अभी इक्विप नहीं करूँगा लेकिन इसका एक बिल्ड बनाऊँगा मैं अलग से। स्टार्क विंग, हाँ स्टार्क विंग एक और ले गया ना मटेरियल है जिसको ढूंढना पड़ेगा। ओडोगरोन, ओके ओडोगरोन क्योंकि मैंने सिर्फ देखा था, वो अनलॉक हुआ नहीं है, तो देखते इसके लिए क्या है। स्पीड शार्पनिंग ना ज़रूरत नहीं है उसके लिए, तो क्या कहते हैं वेट फिश फिन है। लवासियोत ठीक है, बुरा नहीं है। उरागान के चेस्ट पीस में पार्ट ब्रेकर है लेकिन नार्गागुगा का चेस्ट पीस में जाने नहीं दे सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किल्स है इस पर, भले ही डिफेंस थोड़ा कम हो। ईविड विंडो लेवल 2 है, स्टैमिना सर्ज लेवल 2 है और ईविड विंडो लेवल 1 है, तो यहाँ से ही 3 ईविड विंडो मेरे को मिल रहे हैं और ज्वेल से भी मेरे को अलग से ईविड विंडो मिल रहे हैं। एक चीज़ के लिए मैं सर्च कर सकता हूँ, पार्ट ब्रेकर किस किस में मिलता है। अगर हेलमेट या फिर कहीं और पे पार्ट ब्रेकर मिले तो अच्छी बात है, ऑलरेडी इसी में पार्ट ब्रेकर है। वेस्ट पीस में उरागान के पार्ट ब्रेकर है लेकिन पूके पूके का जो मैंने पहन रखा है उसमें डबल लेवल पार्ट ब्रेकर है जो कि है ये वाला, नहीं शायद लेवल 1 ही है, और मेरे पार्ट ब्रेकर लेवल 2 बन रहे इससे और हेलमेट से। ठीक है ओके, एक बार हेल्थ बूस्ट भी चेक कर लेता हूँ अगर अच्छा खासा हेल्थ बूस्ट किसी हेलमेट में होगा तो। अच्छा हेल्थ बूस्ट तो नहीं है, बस हेल्थ बूस्ट है, लेवल 1 हेल्थ बूस्ट, कोई कुछ खास है नहीं। चलो जो भी है, आर्मर अभी अच्छा ही है। बस एक चीज़ हो सकता है, आर्मर को अगर मैं अपग्रेड कर सकता हूँ तो नार्गाकुगा का चेस्ट पीस जो है वो मैं अपग्रेड कर दूंगा, हैवी आर्मर स्पीयर। चलो ये हो चुका है अपग्रेड। मैक्स डिफेंस इसका 144 है जो लेगियाना का स्टार्टिंग डिफेंस है, बहुत सही, यही कमी रह गई थी। पुके पुके को अभी मैं अपग्रेड नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे डाउट है कि आगे चलकर और भी अच्छे पार्ट ब्रेकर वाले वेस्ट पीसेस मिल सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। अरे यार आर्मर स्किल्स पार्ट ब्रेकर, और यहाँ पर जो जो पीसेस है उरागान का है, और उरागान में मेरे को डिफेंस भी ज़्यादा मिल रहा है, लेवल 1 पार्ट ब्रेकर सेम चीज़ है, तो उरागान का वो थोड़ा मैं फार्म वगैरह कर सकता हूँ, पर वो चीज़ बाद में करेंगे। और एक्सेप्ट द थंडरस ट्रबल मेकर उसको भी बाद में ही करेंगे, क्योंकि यार आज के एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुमको एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि आज का लेगियाना कितना इरिटेटिंग था, वेलकाना का फाइट कैसा लगा, वेलकाना तुमको एज अ मॉन्स्टर कैसा लगा। और यार इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ और मैं तुमसे मिलूँगा अगले एपिसोड पर।